हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सवन सिद्दीकी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी फ्रॉम भारती यूनिवर्सिटी. एंड टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज डेटा कलेक्शन, मेथड्स क्या होते हैं, टूल्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती है. सो बिफोर वी डिफाइन कलेक्शन, इट इज एसेंशियल टू आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होता है. द एम्ब्रिज आंसर इज, हम जो बोलेंगे स्पेसिफिक आंसर क्या होगा, इज डेटा इज वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन formatted in a particular way. Okay, data is various kind of information formatted in a particular way. हम ये बता सकते हैं. Therefore, data collection क्या होता है? Data collection is the process of gathering and measuring and analyzing accurate data from a variety of relevant sources to find answers to research problems, research questions, answer questions of questionnaire, evaluate outcomes. हम बोल सकते हैं and forecast trends and probabilities. So this is all what is data collection and what is data. हमारी society में क्या होता है, is highly dependent on data. Okay, which underseen the importance of collecting it. ये होता है और होता चला आया है. Accurate data collection is necessary to make informed business decision. हम बोल सकते हैं ensure quality assurance, बोल सकते हैं keep research integrity, बोल सकते हैं जिसका objective, जिसका aim 100% हो. During data collection, the researcher must identify the data types. वो जरूरी है एक researcher को during data collection की वो data types को identify करें, the sources of data, जो data के source हैं उसको identify करें, and what the methods are being used, कौन से methods use किए जा रहे हैं या जाएंगे. Okay, so next is, हम इस presentation में देखेंगे why do we need, देखेंगे व्हाई डू वी नीड डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन क्यों जरूरी है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं, स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन टेक्निक्स, स्पेसिफिकली डेटा कलेक्शन की क्या टेक्निक्स होती है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है, और डेटा कलेक्शन के कौन कौन से टूल्स होते हैं. सो स्टार्टिंग विथ व्हाई डू वी नीड डेटा कलेक्शन. सो बिफोर एन एनालिस्ट बिगिन कलेक्टिंग डेटा, जो कि स्टार्ट करने वाला है डेटा कलेक्शन, दे मस्ट आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट. सबसे पहले क्या होता है, व्हाट्स द गोल और पर्पस ऑफ दिस रिसर्च. आप जो रिसर्च करने वाले हो उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर दे प्लानिंग और गैदरिंग. आप जो डेटा कलेक्ट करने वाले हो, क्या उसकी प्लानिंग की है, और क्या आपने वो प्लानिंग की है गैदर करने के लिए. व्हाट मेथड एंड प्रोसीजर्स विल बी यूज्ड टू कलेक्ट कलेक्ट स्टोर एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन व्हिच इज कलेक्टेड बाय योरसेल्फ, जो कि आपके द्वारा कलेक्ट की गई है. सो व्हाई डू वी नीड डेटा कलेक्शन. अब हमें समझ में आएगा कि हमें डेटा कलेक्शन क्यों जरूरी है. द कंसेप्ट ऑफ डेटा कलेक्शन इज नॉट न्यू. हम नहीं बोल सकते हैं कि ये न्यू वन है, एज वी विल सी लेटर. But the world has changed. ठीक है, there is a far more data available today. हम देख सकते हैं हमें easily available है data. हम अगर content collect करना चाहते हैं mobile के through, phone के through, जाकर person के through, हम हर तरीके से collect कर सकते हैं. ठीक है, there is far more available data today. And it is exists in form that we unheard, जो हम सुने नहीं होंगे of a century ago. Okay, so the data collection process has had a to change and grown with the times. जैसे कि जैसे वक्त बढ़ता चला जा रहा है, सब कुछ चेंज होता जा रहा है, keeping pace with technology. अब हम क्या करते हैं, पहले हर चीज से जाके मैनुअली कलेक्ट किया जाता था, बट अब टेक्नोलॉजी के थ्रू भी कलेक्ट किया जाता है. Whether you are in the world of academia, trying to conduct research, or part of the commercial sectors, etc. So this is what about why do we need to collect data. Okay, so what are the different methods of data collection, data collection ke different methods kya kya ho sakte hain. Aap dekh sakte hain isme observation hai, database hai. Okay, so this is what the tools, this is what the method we need to collect data. While the phrases data collection may sound all high tech and digital, ye sound karta high tech aur digitally show karta hai, it is not necessary
एंटेल थिंग्स लाइक कंप्यूटर्स बिग डेटा एंड द इंटरनेट. ओके, डेटा कलेक्शन कुड नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं होता है कि टेलीफोनिक सर्वे कर लें. ठीक है, हो भी सकता है कभी कभी कि हमने टेलीफोनिक सर्वे किया है, मेल हो गया या कमेंट कार्ड्स हो गया, इवन सम गाइस विद अ क्लिपबोर्ड आस्किंग प्रेशर बाय सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लिए, उस क्वेश्चन के थ्रू वो डेटा कलेक्शन कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. सो हम देखते हैं, डेटा कलेक्शन ब्रेक्स डाउन इंटू टू मैथड्स. डेटा कलेक्शन जो होता है इसे हम दो मैथड्स में तोड़ सकते हैं. ठीक है, एज अ साइड नोट अगर हम देखें, मैनी टर्म्स सच एज टेक्निक्स हो सकता है, मैथड्स हो सकता है, टाइप्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हु यूजेस आइटम, वो कौन इस पर्टिकुलर आइटम को यूज कर रहा है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद, अभी देखो हम ये देखते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन. ठीक है, तो प्राइमरी जो दो मैथड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया. तो एज द नेम, जब हम बात करते हैं, नेम इम्प्लाइज दिस इज ओरिजिनल. ओके, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड बाय द डेटा रिसर्चर. ओके, जिसने रिसर्च किया उसके थ्रू कलेक्ट किया गया है. दिस प्रोसेस इज द इनिशियल फॉर्म इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टेप्स. ये सबसे पहला स्टेप है. ठीक है, किसके लिए, डेटा को गैदर करने के लिए, परफॉर्म बिफोर एनीवन कैरीज आउट एनी फर्दर और रिलेटेड रिसर्च. इसके रिलेटेड कोई और रिसर्च उसके पहले कोई और कैरी फॉरवर्ड कर ले. प्राइमरी डेटा रिजल्ट्स आर हाईली एक्यूरेट. जो प्राइमरी डेटा हम जो कलेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, प्रोवाइडेड बाय द रिसर्चर, जो हमारे थ्रू, या हम एक कोई रिसर्चर है हमारे थ्रू जो कलेक्ट किया जाता है those information. However, there are downside as the first hand research is potentially time consuming and expensive. ये मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि जो primary data collection होता है वो expensive होता है और time taken होता है. But if we are talking about secondary data collection, secondary जो data होता है is second hand data collected by the other parts. ठीक है, और ये भी हम बोल सकते हैं already having undergone statistical analysis, जो कि पहले से analyze हो चुका है. This data is either information that the researcher has tasked other people to collect or information the researcher has looked up. ठीक है, तो simply put it second hand information. ये हम बोलते हैं this is the second hand information. अब देखते हैं हम specific data collection techniques. Specific data collection techniques क्या होती है. Specific data collection में आप ना ये image देख सकते हैं. ठीक है, structure में देखिए, website data के through आप collect कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं. ठीक है, परचेस भी कर सकते हैं. कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो कि हम परचेस कर सकते हैं मार्केट से, या किसी ने उस पर वर्क किया है, छोड़ दिया है, या वो चाहता है कि मैं इसे सेल आउट करना चाहता हूँ, आप परचेस कर सकते हैं. सोशल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बाय क्वेश्चन आर मेथड, आप स्मार्ट टीवी के थ्रू या डेटा इसके थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड पार्टी डेटा जो हमने प्राइमरी लिया, सेकेंडरी लिया, किसी थर्ड से जिसने अपना काम छोड़ दिया है, या वो आपका काम आगे नहीं करना चाहता है, या वो अपने कन्वीनियंस से आपको वो डेटा देना चाहता है. एंड लास्ट वन इज मोबाइल डेटा. तो दिस ऑल इज हम कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या स्पेसिफिक डेटा कलेक्शन टेक्निक्स क्या होती है. सो हम देखते हैं, अभी देखते हैं, लेट्स गो इनटू स्पेसिफिक यूजिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेथड. ओके, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी. सो इसका ब्रेकडाउन ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन. ये मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ है, प्राइमरी डेटा कलेक्शन कैसे किया जा सकता है. इंटरव्यू के थ्रू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, क्वेश्चन आर प्रिपेयर करने से, ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स की होने से. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरव्यूज. तो इंटरव्यूज में क्या किया जाता है, द रिसर्चर आस्क क्वेश्चन ऑफ अ लार्ज सैम्पलिंग ऑफ पीपल. ठीक है, बहुत सारे पीपल्स के बीच में, मेंबर्स के बीच में क्वेश्चन किया जाता है. तो दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू, आइदर बाय डायरेक्ट इंटरव्यू और मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन सच एज बाय फोन और मेल. ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, मेल के थ्रू भी क्वेश्चन करके से इंटरव्यू करके कंप्लीट किया जा सकता है. आजकल तो वेबिनार्स वगैरह हो रहे हैं, आजकल ऑनलाइन होता है इंटरव्यू भी, आजकल ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है. तो दिस मेथड इज बाय फार द मोस्ट कॉमन मीन ऑफ डेटा कलेक्शन और डेटा गैदरिंग वी कैन से. सो नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है, ये भी डेटा गैदरिंग इज एन इनडायरेक्ट इंटरव्यू. ये हम बोल सकते हैं ये भी इनडायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू गैदर किया जा सकता है. यूज्ड व्हेन पोटेंशियल जो पोटेंशियल रिस्पोंडेंट है नो व्हाई दे आर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन. ओके, एंड हेसिटेट टू आंसर. ये बहुत ईजी होता है, और हम डेल्फी टेक्निक्स के थ्रू भी कर सकते हैं. तो डेल्फी टेक्निक के थ्रू भी कर सकते हैं, हम फोकस ग्रुप के थ्रू भी कर सकते हैं. मैंने आपको अभी जो ये डायग्राम दिया वो उसमें शो हो रहा है. ठीक है,
तो फोकस ग्रुप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइक इंटरव्यूज आर कॉमनली यूज टेक्निक्स. इसमें फोकस ग्रुप में भी हम क्या करते हैं, इंटरव्यू एकदम कॉमन टेक्निक है. द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एनीवेयर फ्रॉम अ हाफ डजन ऑफ पीपल या डजन पीपल्स लेड बाय मॉडरेटर्स, ठीक है, या ब्रॉट टुगेदर टू डिस्कस द इशू. सो नेक्स्ट हम इसमें बता सकते हैं क्वेश्चनर्स. तो क्वेश्चनर आर अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा कलेक्शन मेथड. तो एकदम इजी होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा कलेक्शन मेथड होता है, ठीक है. अब देखते हैं हम हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन कैसे हुआ, आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होता है, अनलाइक प्राइमरी डेटा कलेक्शन बिल्कुल भी देर आर नो स्पेसिफिक कलेक्शन मैथड. सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में कोई स्पेसिफिक मैथड नहीं होता है, ठीक है, सिंस द इन्फॉर्मेशन हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, क्योंकि वो पहले से कलेक्ट की जा चुकी है. द रिसर्चर कंसल्ट वेरियस डेटा सोर्सेज. जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट डेटा सोर्सेज से कॉन्टेक्ट करता है या कंसल्ट करता है, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सेल्स रिपोर्ट्स, बिजनेस जर्नल्स, या अगर हम साइंस का बात करते हैं तो जो साइंस के जर्नल्स होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीशीज पे हम काम कर सकते हैं. जो रिसर्च नहीं हुआ है उस पर, ठीक है, इंटरनेट हो गया, डिफरेंट जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गई. अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो इमेज दी है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का दिखाया है. तो दिस इज सब डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा कलेक्टिंग टूल्स. ठीक है, डेटा कलेक्शन टूल्स क्या होता है. डेटा कलेक्शन टूल्स मैंने इसके पहले भी आपको बताया हुआ है, वी हैव एक्सप्लेन द वेरियस डेटा टेक्निक्स. तो सबसे पहले होता है इसमें वर्ड एसोसिएशन. द रिसर्चर गिव द रिस्पॉन्डेंट, ठीक है, अ सेट ऑफ वर्ड. एक सेट ऑफ वर्ड होता है, उसको एसोसिएट आप कैसे करेंगे, एंड आस्क देम व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन दे हियर ईच वर्ड. इसके बाद फिर हम बोल सकते हैं सेंटेंस कंप्लीशन कैसे होगा. सेंटेंस कंप्लीशन के बाद में जिसने, जो रिसर्चर है उसका रोल प्ले क्या होगा, और जिससे उसने इंटरव्यू लिया है उसका रोल प्ले क्या होगा. ठीक है, इन पर्सन सर्वे के थ्रू हमारा ये टूल्स हो सकता है. द रिसर्चर आस्क क्वेश्चन इन पर्सन, एक क्वेश्चन से भी, एक पर्सन से भी क्वेश्चन हो सकता है. ऑनलाइन सर्वे के थ्रू हो सकता है, वेब सर्वे के थ्रू हो सकता है, मोबाइल सर्वे के थ्रू हो सकता है. ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स. फोन सर्वे के थ्रू हो सकता है, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी हो सकता है. सो दिस इज वॉट ऑल द दिस इज वॉट डेटा टूल्स. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टूल्स हम देखते हैं. देखिए मैंने जो इमेज यहाँ पे सेट की हुई है, इस इमेज में आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है. सो क्वांटिटेटिव कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन वेब्स के थ्रू किया जा सकता है, फेस टू फेस कर सकते हैं हम, फोन के थ्रू कर सकते हैं, फैक्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू हो सकता है, सेंट्रल लोकेशन इंटरसेप्ट के थ्रू हो सकता है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटेटिव, तो ऑनलाइन फोरम, ऑनलाइन कम्युनिटीज, वेब सर्वे, ग्रुप ट्रेड्स, ठीक है, डेप्थ इंटरव्यू. सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन टूल्स. सो आज के लिए इतना ही. सो मिलते हैं कल दूसरे टॉपिक के साथ में. थैंक यू सो मच.